नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं आईडीआई न्यूज। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज की ताजा ब्रेकिंग खबरें और मुख्य समाचारों के बारे में। सब्जी बेचने वाला का बेटा बना बिहार बोर्ड का टॉपर। जी हाँ, बिहार बोर्ड का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। रोहतास जिले के हिमांशु राज बिहार टॉपर बने। हिमांशु को कुल 481 नंबर मिले हैं। वह रोहतास जिले के जनता हाई स्कूल तेनुजा के विद्यार्थी हैं। बिहार टॉपर हिमांशु राज रोहतास जिले के दिनारा प्रखंड के तेनुजा पंचायत के नटवर कला गाँव वार्ड नंबर 10 के निवासी हिमांशु राज के पिता सुभाषिष सिंह सब्जी बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। माता मंजू देवी कुशल गृहिणी है। हिमांशु राज के पिता सुभाष सिंह विक्रमगंज के तट पर बाजार में सब्जी बेचते हैं। बेहतरीन साधारण परिवार का बेटा हिमांशु बेहद कुशल लंगन और परिश्रमी विद्यार्थी था। हिमांशु ने बताया कि बोर्ड की परीक्षा के लिए उन्होंने विशेष मेहनत किया था। वह दिन में करीब 14 घंटे पढ़ाई करते थे। हिमांशु से बड़ी एक बहन है जो इंटर में पढ़ती है। हिमांशु की इच्छा है कि वो ऊंची उड़ान भरने की के लिए हाई स्टडी पढ़ाई करे और उसकी तमन्ना है कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने। 40 घंटे ट्रेन नहीं पहुंची मुंबई से बिहार, पानी के लिए अफरा तफरी। कोरोना वायरस संकट के बीच रेलवे प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए श्रमिक ट्रेन चला रही है। ट्रेन शुरू करने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार ने दावा किया कि प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेन में सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन मुंबई से बिहार जा रही श्रमिक ट्रेन सरकार के सभी दावों की पोल खोल रही है। आलम यह है कि मुंबई से कटिहार के लिए ट्रेन 40 घंटे में भी गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंची। इसके अलावा यात्री को खाना तो दूर, पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। 24 मई रात 9 बजे चली थी ट्रेन। विक्टोरिया टर्मिनल मुंबई से कटिहार के लिए श्रमिक ट्रेन 24 मई को रात 9 बजे चली थी, लेकिन ये घट अब तक पटना नहीं पहुंची। बताया जा रहा है कि ट्रेन अभी भी बलिया के आसपास है और यात्रियों को ट्रेन में सुविधा नहीं दी गई है। ट्रेन में यात्रा कर रहे एक यात्री ने बताया कि ट्रेन जहां तहां स्टेशनों पर रोकी जा रही है। ट्रेन में खाना तो दूर की बात, पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। लोग ट्रेन में गर्मी से परेशान है और सभी का बुरा हाल। पूरी क्षमता से चल सकेगी एयर इंडिया रिलीफ फ्लाइट। सुप्रीम कोर्ट ने 25 मई को हुई विशेष सुनवाई में एयर इंडिया को नॉन शेड्यूल इंटरनेशनल फ्लाइट के मामले में थोड़ी सी राहत दी है। यह फ्लाइट विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाई जा रही है। कोर्ट ने कहा है कि एयर इंडिया 6 जून तक 10 दिन के बीच खाली सीट छोड़ने बिना प्रचालन कर सकती है। इसके बाद इस फ्लाइट का प्रचालन बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही होगा। लाइव लॉ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश बॉम्बे हाई कोर्ट के 22 मई को आदेश के खिलाफ दाखिल नागरिक उड़ान मंत्री और एयर इंडिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस आदेश में एयर इंडिया को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखते हुए बीच की सीट खाली रखकर प्रचालन करने को कहा था। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 25 मई को कहा कि सामान्य हालत में हम हाई कोर्ट के अंतर आदेश में दखल देने के पक्ष में नहीं होते। आपको बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट में एयर इंडिया के एक फ्लाइट ने याचिका दाखिल कर कहा था कि विदेश में फंसे भारतीय नागरिक को वापस लाने में एयरलाइंस कोविड-19 के संबंध में सुरक्षा कदमों का पालन नहीं कर रही है। दूसरी खबर भी चीनी वायरस से निकल के आ रही है। जी हाँ, दूसरी खबर, महाराष्ट्र को केरल मॉडल की जरूरत, राज्य सरकार ने मांगी मदद। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना से बुरी तरह प्रभावित पुणे बॉम्बे औद्योगिक इलाके में महामारी से लड़ने के लिए औपचारिक रूप से पत्र लिखकर केरल सरकार से सहायता मांगी है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजे टोपी द्वारा केरल की स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री के शैलेजा से बात करने और कोरोना महामारी की चुनौती पर चर्चा करने के लिए कुछ दिन बाद यह कदम उठाया है। डॉक्टर और नर्सों की मांग, अब महाराष्ट्र सरकार ने एक आधिकारिक पत्र भेजकर यह महामारी संकट से निपटने के लिए डॉक्टर और नर्सों की मांग किया है। मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च के डायरेक्टर डॉक्टर टीपी लहने, जो नोडल अधिकारी हैं, ने कहा है कि निकट भविष्य और पुणे में कोरोना मामले की संख्या बढ़ने की आकांक्षा है। उन्होंने महाराष्ट्र के स्वास्थ्य अधिकारियों की सहायता के लिए विशेष डॉक्टर और नर्सों की 50 टीम के लिए मंत्री शैलेजा से अनुरोध किया है। आपको बता दें कि उनकी सेवाओं के लिए महाराष्ट्र MBBS डॉक्टर को प्रति महीने 80,000 रुपए और MD और MS विशेष डॉक्टर को प्रति माह 2,00,000 रुपए का भुगतान करने के लिए तैयार है, जिसमें फिजिशियन और गहन चिकित्सक भी शामिल हैं। तीसरी खबर भी चीनी वायरस से ही आ रही है। जी हाँ, लॉकडाउन में छूट से बड़े कोरोना केस, लेकिन स्थिति काबू है। जी हाँ, आपको बता दें कि केजरीवाल ने एक बयान शेयर किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। पिछले दिनों से दिल्ली में कोरोना का केस लगातार बढ़ रहा है। इस पर बात करते हुए सीएम ने खुद को माना कि लॉकडाउन में ढील के बाद केस बढ़े हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि स्थिति काबू में है। 17 तारीख को लॉकडाउन में काफी ढील दी गई। आज एक हफ्ते बाद भी मैं कह सकता हूं कि स्थिति नियंत्रण में और कोई
घबराने वाली बात जब लॉकडाउन में ढील दी गई थी तब हमें उम्मीद थी कि केस में थोड़ी बढ़ोतरी होगी, थोड़ा बढ़ोतरी हुई लेकिन चिंता की बात नहीं है। वैसे आपको बता दें कि दिल्ली में संक्रामित केस के बारे में केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में अभी 13,418 पॉजिटिव केस हैं, जिनमें से 6,540 लोग ठीक हो चुके हैं और 6,617 लोग अभी भी बीमार हैं, यानी कि जितने ठीक हुए उतने ही बीमार हैं। कोरोना की वजह से अब तक दिल्ली में 261 लोगों की मौत हो चुकी है। चौथी खबर निकल के आ रही है मुंबई महाराष्ट्र से। जी हां, राज ठाकरे का योगी पर पलटवार, कहा बिना अनुमति के महाराष्ट्र में नहीं आने चाहिए प्रवासी मजदूर। भले ही देश भर में कोरोना वायरस का प्रकोप कम नहीं हो रहा लेकिन दूसरी ओर राजनेता पूरे मामले में राजनीति करने में नहीं चूक रहे हैं। अति संवेदनशील मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मजदूरों को लेकर बयान दिया है, जिसके बाद अब महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने भी पलटवार किया है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ यह बात ध्यान रखे, प्रवासियों को अब महाराष्ट्र में आने से पहले उन्हें इजाजत लेनी पड़ेगी। इसके साथ ही राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे से अपील भी किया है कि मनसे के प्रमुख ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार को पुलिस स्टेशन में प्रवासी मजदूरों का रिकॉर्ड बनाना चाहिए। एक और बड़ी खबर जो निकल के सामने आ रही है जो है उत्तर भारत में गर्मी को लेकर। जी हां, उत्तर भारत में लगातार बढ़ रहा है पारा। आईएमडी ने जारी किया रेड अलर्ट, 48 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान। उत्तर भारत के राज्यों में गर्मी का प्रकोप बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अनुमान जताया जा रहा है कि मंगलवार तक राजधानी में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इस हफ्ते उत्तर भारत के साथ साथ महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी तापमान बढ़ सकता है। आईएमडी के साइंटिस्ट नरेश कुमार ने कहा है कि 28 मई के बाद थोड़ी राहत मिल सकती है और इसके बाद कई में हल्की बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। वैसे आपको बता दें कि पूरे भारत में लगभग 45, 44, 46 डिग्री के आसपास तापमान रह रही है। अगले 5 दिनों की बात करें तो उत्तर भारत के कई हिस्सों में गर्मी का प्रकोप बढ़ता चला जाएगा। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के पारे की बात करें तो तापमान 46 से 48 डिग्री तक जा सकता है। इस साल गर्मी को लेकर पहले ही रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी कोटक बैंक की तरफ से आ रही है। जी हां, कोटक बैंक ने सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज में कर दिया है कटौती। नई ब्याजे दर लागू कर दिया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज में कटौती किया है। अब 1,00,000 रुपए के जमा पर 3.50% वहीं 1,00,000 से ज्यादा जमा होने पर 4% सालाना ब्याज मिलेगा। नई दरें 25 मई से लागू हो गई है। जी हां, आपको बता दें कि कोटक महिंद्रा बैंक बचत खाते में इससे पहले 1,00,000 रुपए तक के जमा के लिए 3.75% और 1,00,000 से ज्यादा पर 4.50% ब्याज मिलता था। इस बैंक में ब्याज दैनिक शेष राशि के हिसाब से दिया जाता था लेकिन अब इस पर ब्याज दर घटा दिया गया है, जो कहीं ना कहीं आम लोगों को काफी ज्यादा परेशानी होने वाली है, जिससे काफी ज्यादा नुकसान लोगों को देखने को मिलेगा। अगली खबर किसान से के लिए निकल के आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना में खेती पर असर पड़ा है। औद्योगिक मांग घटने और रिकॉर्ड उत्पादन होने के कारण किसानों को पिछले साल के मुताबिक आधी कीमत पर बेचना पड़ रहा है मक्का। कोरोना महामारी के कारण किसानों को मक्के का वाजिब दाम मिलना मुहाल हो गया है। इसकी वजह यह है कि मक्के में औद्योगिक मांग खत्म हो गई है। दूसरी ओर मक्के के उत्पादन में नया रिकॉर्ड बना है। मक्का ही नहीं, गेहूं, चावल समेत मोटे अनाज के उत्पादन में इस साल नया कीर्तिमान बनाने का अनुमान है। इसके कारण निकट भविष्य में भी मांग बढ़ने की गुंजाइश नहीं दिखाई पड़ रहा है। जी हां, किसानों ने भी इस साल मक्के की खेती में ज्यादा दिलचस्पी लिया था। देश में बिहार एक ऐसा सूबा है जहां साल के तीनों सीजन खरीफ, रबी और जायद के दौरान मक्के की खेती होती है, लेकिन प्रदेश में मक्के की सबसे ज्यादा प्यार रबी सीजन में होती है। बिहार में कोसी की कछार की मिट्टी मक्के के पैदावार के लिए काफी उबर है। पिछले साल ऊंचा भाव मिलने के कारण किसानों ने मक्के की खेती इस साल ज्यादा किया है और अब उन्हें औने पौने दाम में बेचना पड़ रहा है। जी हां, बिहार में 1 क्विंटल करीब 1,050 रुपए का बिक रहा है, जो कि कहीं ना कहीं पिछले साल से 500 रुपए का कम नुकसान देखने को मिल रहा है।